अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 30 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज। अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं तो यकीन कीजिए, आने वाली 30 डेज़ में आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी रीग्रोथ नहीं हो रही, आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल बहुत डल हो रहे हैं, तो ये चैलेंज लेने से और इस रेमेडी को फॉलो करने से आपके बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी, आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली चला जाएगा, आपके बालों की डलनेस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं हमारे बालों के लिए। जब आप सुनेंगे ना इसके बारे में तो आपको यकीन हो जाएगा भाई ये रेमेडी 100% वर्क करेगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो हमारे पठानी लोग, जो हमारे पहाड़ों के लोग होते हैं, वो लड़कियाँ इस रेमेडी को यूज़ करती हैं। और हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, राबी पीरज़ादा, वो भी इस रेमेडी की फ़ैन है, वो भी इस रेमेडी को यूज़ करती हैं। तो ये उन पहाड़ी लोगों की रेमेडी है जहाँ पे लड़कियों के अगर आप बाल देखो तो बहुत लंबे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत घने बाल होते हैं, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ नहीं करते, वो इन्हीं जो होममेड चीज़ें होती हैं, जो नेचर से हमें मिलती हैं, वो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस रेमेडी को हमने कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस रेमेडी में हमने यूज़ क्या करना है। फ्रेंड, इसके लिए हमें सिर्फ दो पावरफुल चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए एलोवेरा जेल, जो कि घर का होना चाहिए, मार्केट बेस्ड नहीं चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए अनियन जूस। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कह रही थी कि ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, क्योंकि अनियन जूस में होता है सल्फर, जो कि आपके हेयर फॉल का कम्प्लीटली दुश्मन है, आपके हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एलोवेरा जेल के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या खूबियाँ रखता है, क्या ताकत रखता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप नहीं जानते दोनों चीज़ों के बारे में तो अभी गूगल करके देखो और फिर आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें आपके बालों के लिए ये वरदान है, आपके बालों की ज़िंदगी को बदल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करो, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहन को सपोर्ट करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक, आजमूदा और बेहतरीन रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बताते हैं कि आपने ये रेमेडी कैसे बनानी है। आपको इसके लिए चाहिए एलोवेरा जेल, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, आपने ले लेना है, अच्छे से धो लो, काट लो उसको और जेल उसका निकाल लो। इसके साथ आपको चाहिए एक अनियन जूस, अच्छे से अनियन को काटो, कद्दूकस करो, जैसे मर्जी आप उसको ग्रेट करो, उसका आपको बस जूस निकालना है, किसे भी निकाल सकते हो। एक ग्राइंडर जार में अनियन का जूस और एलोवेरा जेल को ऐड करो और अच्छे से ग्रेट कर लो, बढ़िया से मिक्स कर लो और बस आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। आपने इस पैक को अपने सर पे लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों की लेंथ पे लगाओ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर लो, और अगर शॉर्ट हैं तो ये क्वांटिटी बहुत है। तो फ्रेंड्स, आपने पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है, आपने बालों की लेंथ पे लगाना है, पूरे बालों को इससे कवर करके कोई भी शावर कैप पहन आधे घंटे के लिए छोड़ दो। आधे घंटे बाद आपके जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो उससे अपना सर वॉश करो। और इससे फ्रेंड्स, आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है 30 डेज़, और आप यकीन करो आपके बालों की काया ही पलट के रख देगी ये रेमेडी, आपकी जो भी बालों की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर देगी और आपके बालों की हर प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी। तो ये थी आज की बेहतरीन सी रेमेडी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ इस तरह की एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।